तो सबसे पहले एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट बनता है और प्रोजेक्ट का नेम दिया जाता है। प्रोजेक्ट का नेम देते हैं टोटल स्टोरेज और इसको आप लोग कर लें ओपन विद कोड। जी प्रोजेक्ट की मेन फाइल हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल स्टोरेज है आपका। उसके बाद बूटस्ट्रैप ने 5 से ज़्यादा रखा नहीं, ऐड नहीं किया हुआ ना। तो क्लास हम बनाते हैं 5 के बाद अगर आप क्लास नहीं देंगे तो वर्क नहीं करेगा। टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट डार्क एंड कॉपी 2002 ऑल रिजर्व हेडर में आपका नेवर आ जाएगा और मेन में आपके पास जी इंडेक्स हो गया। इसके बाद आप लोगों ने SCSS किया है? SCSS जी किया है ना? अच्छा चलें उसको भी देखिएगा। SCSS ना SCSS सेम CSS की तरह ही लेकिन विद सुपर पावर। उसको सुपर पावर मिल जाती है किस्म की। तो स्टाइल डॉट SCSS जहाँ पर हम CSS यूज करते थे अब SCSS पावर का पी किधर है इसमें? तो ऐसे तो बहुत कुछ हो जाता है। अभी ओरिएंटेशन क्लास नहीं लिया आपने? ये जो परसों तो उसमें हमने पढ़ा था जी, तो उसका क्या होता है बताया था मैंने आपको, वीडियो निकाल के दिखा देनी है। क्यों नहीं बताया था? SCSS stands for Sassy Cascading Style Sheet। आपकी साइड मोबाइल पे थी उस टाइम। style.scss अच्छा हमारा ब्राउजर जो है HTML, CSS और JavaScript को समझ रहा होता है, SCSS को नहीं समझता। वो होता क्या कि हम HTML को CSS में कन्वर्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो ये HTML जो है ये आपका एक स्टाइल्स के फोल्डर में और आपके पास JS में स्क्रिप्ट डॉट JS कह लें, कस्टम डॉट JS कह लें, मेन डॉट JS कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ये सारी चीज़ें होगी। अच्छा SCSS बनाने का मकसद ये कि आप लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की। अब बूटस्ट्रैप जब करना है तो बूटस्ट्रैप को आप लिंक अगर करें तो फिर वो वर्क नहीं करेगा कस्टमाइजेशन, क्योंकि उसमें आपको बस CSS मिलती है और जावास्क्रिप्ट मिलती है, आपको SCSS उसके CDN के जरिए नहीं मिलती है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ही ये फोल्डर आपका लोकल स्टोरेज है। अच्छा जैसे आप लोग जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करते हैं आप लोग कुछ लाइब्रेरीज की तरफ मूव कर जाएंगे, तो npm i dash g surge ये याद है? surge इस तरह इंस्टॉल किया था। ये dash g का मतलब होता है ग्लोबल, आपके पूरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। हमने बूटस्ट्रैप को भी इंस्टॉल करना तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं।
npm i bootstrap। अब bootstrap जो हमने ग्लोबली नहीं इंस्टॉल करना, हमने सिर्फ इस प्रोजेक्ट फोल्डर के लिए करना है। तो आप लोग npm i bootstrap लिखेंगे तो यहाँ पे देखेगा एक और फोल्डर बन जाएगा नोड मॉड्यूल्स का, उसमें ये bootstrap लाइब्रेरी आ जाएगी। एंटर करें, ये देखिए नोड मॉड्यूल्स, पैकेज डॉट जेसन, पैकेज लॉग डॉट जेसन, ये चीज़ें भी आ गई आपके पास। और नोड मॉड्यूल्स के अंदर ये bootstrap, आपके इस प्रोजेक्ट फोल्डर से होगा क्योंकि हमने कस्टमाइजेशन करनी है, तो फिर कस्टमाइजेशन इस तरह पॉसिबल होगी। अब ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर bootstrap, bootstrap के अंदर देखें scss और ये आपकी सारी फाइल्स वगैरह, उसी तरह डिस्क में जाके css की सारी फाइल्स मिल जाती हैं और js में js की फाइल्स मिल गई। तो js को अगर लिंक करना है तो आप लोग अब फुटर के बाद स्क्रिप्ट सोर्स, ये आपका हो जाएगा नोड मॉड्यूल्स bootstrap डिस्ट js, अच्छा जी bootstrap डॉट बंडल डॉट जे एस, ठीक है जी, यही वाला bootstrap डॉट बंडल डॉट जे एस या bootstrap डॉट बंडल डॉट मिन डॉट जे एस, आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। मिन का मतलब होता है मिनीफाइड, ये जिस तरह आपके सारा कोड ये रीडेबल है, आप लोग इसको एक ही लाइन में लिख दें, जितनी भी स्पेसिंग है सारी खत्म हो जाएगी, एक ही लाइन में सारा कोड आ जाएगा, वो आपका मिनीफाइड वर्जन कहलाता है। ओके जी, ये लिंक हो गया। और स्टाइल डॉट एस सी एस एस में जाके आप लोग अब इस नोड मॉड्यूल में से एस सी एस एस को यूज कर सकते हैं। तो एट द रेट इम्पोर्ट डबल कोटेशन मार्क, आप लोग डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश की वजह से बैक फोल्डर में गए, वहां पर आपको नोड मॉड्यूल्स bootstrap एस सी एस एस और ये bootstrap डॉट एस सी एस एस, वो सारी इसके साथ लिंक हो रही होती है, ये मेन फाइल होती है जिसका bootstrap डॉट बंडल। चलिए देखिए ना बंडल का नाम है इसका, ये सारी एक बंडल बना होता है, सारी इसमें लिंक्स होती है। ये आपकी स्टाइल डॉट एस सी एस एस आ गई, गो लाइव करें। अच्छा इंडेक्स डॉट एस टी एम एल, यहाँ पर जाके bootstrap लिंक सी एस एस और आपके पास स्टाइल्स में स्टाइल डॉट एस सी एस एस है, आप इसको लिंक कर दें, ये काम नहीं करेगा क्योंकि ब्राउजर हमारा एस सी एस एस को नहीं समझता है। आप लोग गो लाइव करें, तो ये आपके पास सिंपल सा वही आ रहा है, कोई बैकग्राउंड कलर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसको आप, अच्छा स्टाइल डॉट एस सी एस एस को एक एक्सटेंशन है लाइव सैस कंपाइलर, ठीक है जी, लाइव सैस कंपाइलर लिखें और ये इसका डेवलपर ग्लेन मार्क्स। स्टाइल डॉट एस सी एस एस में जाके जब भी आप इंस्टॉल कर लेंगे, जिस तरह लाइव सर्वर इंस्टॉल करते हैं उसी तरह इसको इंस्टॉल कर लिया, आपके पास लाइव गो लाइव का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है, तो यहाँ पर देखें वॉच सैस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो ये देखिए आपके पास स्टाइल डॉट सी एस एस आ गई, ठीक है। वो आगे मैं आपको समझाता हूँ मैप के क्या काम होता है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अब यहाँ पर आप लोग सी एस एस को करें तो ये आपका आता है। तो ये आपका हेडर आ गया नैव बार के लिए bootstrap, डार्क
कंटेनर ये करते हैं। आपकी वेबसाइट में वो चीज आ गई, नया बार उसका आ गया, फुटर बन गया। मेन में जाके स्टैंडर्ड एसटीएसएस में जाके बॉडी डिस्प्ले फ्लेक्स, और हमें क्या करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम मिनिमम हाइट 100 bh, और मेन में जाके फ्लेक्स 10 ऑटो। यकीनन आप ये सारी चीजें भूल गए होंगे, सेम चीज ही है 10 ऑटो। ये मेन जो है, अब ये फ्लेक्स सबसे ज्यादा होगा, मीन्स की इसकी हाइट बाकी सबसे, जितना कंटेंट इसका है और जितना इसका है ये रहेगा उस साइज के अंदर, बाकी सारी स्पेसिंग ये ले लेगा मेन, तो ये फ्लेक्स मान हो जाता है। ये जो आपने फ्लेक्स वाला लिखा है, नहीं नहीं, ये आप लोग फ्लेक्स बॉक्स पढ़िएगा दोबारा, थोड़ी सी उसमें ये टॉपिक देखिएगा, आपको कवर हो जाएगा। ये ग्रो होता है, फ्लेक्स ग्रो, ये आपको बताया गया, फ्लेक्स ग्रो, ग्रो सबसे ज़्यादा करो, श्रिंक सबसे कम हो जाओ, और फ्लेक्स बेसिस ऑटो हो जाए। जी अब मैं आपको वही दिखाता हूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, और ये आपका कॉलम, इसमें आप लोग एक बटन बना ले, दिस इज अ बटन, क्लास नेम बीटीएन बीटीएन प्राइमरी, सेव करें तो आपके पास बटन आ गया। ये इसका प्राइमरी है, ये तो बूटस्ट्रैप का प्राइमरी है। डेफिनेटली कस्टमर आपको कोई वेबसाइट देता है, उसने अपना थीम देना है, या आप लोग खुद से बना रहे हैं, आप लोग अपने थीम पे जाएंगे, थीम के लिए हमारे पास एक वेबसाइट थी कूलर्स, जी अब्दुल्ला भाई कौन सा कलर उठाएं, कौन सा कलर उठाएं, नहीं आपको कौन सा प्यारा लग रहा है, डार्क कौन सा, नहीं आपने ही बताना है, कौन सा लेमन के, ये वाला चलो ये डार्क उठा लेते हैं। ये कोड कॉपी कर लिया, इसका हेक्साडेसिमल मिल गया आपको। अब आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का प्राइमरी कलर जो है वो हो जाए, तो प्राइमरी कलर जहाँ जहाँ यूज हो रहा होगा आपकी पूरी बूटस्ट्रैप में वो चीज़ चेंज हो जाएगी। डॉलर प्राइमरी कॉलन हैशटैग, ये कलर आ गया और ये सेमी कॉलन। अब इसको सेव करें और अपनी वेबसाइट में आए, तो ये देखें, हाँ जी हमने उसको कह दिया कि अब प्राइमरी कलर जो है आपने ये वाला बन जाना है, तो आपकी पूरी बूटस्ट्रैप में प्राइमरी कलर जो है अब ये बन जाएगा। आप लोग मेन कलर तो प्राइमरी होते हैं ना, तो थीम जो होता है प्राइमरी, आपने प्राइमरी ही यूज़ करना होता है, तो प्राइमरी करेंगे आपका ये कलर आएगा जी। अगर इसे सीएसएस में लिखना हो, सीएसएस में इस तरह नहीं होता, इसी वजह तो एसटीएसएस कर रहे हैं, सीएसएस में होता तो एसटीएसएस की जरूरत नहीं पड़ती। एसटीएसएस में और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, आप लोग ट्यूटोरियल बना हुआ वो देखिएगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि रिएक्ट में भी जाके हमने एसटीएसएस को ही करना है जी। ये क्लियर है इतना, अब आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट पे, स्क्रिप्ट डॉट जे एस, लेट यूजर्स इक्वल टू अली हसन, अच्छा जी अली हसन भी अब डेफिनेटली सिर्फ नेम तो नहीं आना हमारे पास, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, और ऑब्जेक्ट आपका ये बन जाएगा नेम अली हसन सिटी
फैसलाबाद, कंट्री पाकिस्तान, ठीक है जी। ये आपकी एक है। सेकंड आपकी बिलाल फैसलाबाद की जगह कर दें, और आपका अजय का मुस्तफा इस्लामाबाद भेज दें, और हमारे साथ मोहतरम मिस्टर मोहतरम साहेब तो ये कुछ यूजर्स आ गए आपके पास। कंसोल डॉट लॉग, आप लोग यहाँ पर कुछ बटन बनाए। दिस इज अ बटन की बजाय एड यूजर, अच्छा जी एड की बजाय आपका क्रिएट यूजर, क्रड ऑपरेशन याद है हमने थोड़ा सा देखा था, क्रड में क्रिएट, उसके बाद रीड, अपडेट, डिलीट यूजर, ठीक है जी। इस तरह ही आपके पास सारे बटन्स आ जाएंगे। स्टाइलिंग अगर थोड़ी सी की जाए, एक कॉलम अंदर कार्ड, कार्ड के अंदर आपके पास बटन टेक्स्ट सेंटर मिला गया आपके पास, और आपके पास और कॉलम डैश सिक्स यूजर, अपडेट और डिलीट यूजर। इस रो को आप मार्जिन तो आपके पास किस तरह के बटन आ गए इसमें जी, इसका बताइएगा कि आप क्या अपने रो के अंदर एक मिनट, कलर थोड़ा चेंज कर लें, वो डार्क ही हो गया सारा, इसको लाइट कलर हो जाएगा थोड़ा सा, स्टाइल में जाके सेव करें तो आपके पास ये देर के बाद ज्यादा लाइट हो गया, इसको उठा, हमारा खानदानी कलर, जब से बूटस्ट्रैप चल रही हमारी जावास्क्रिप्ट की, ठीक है ये आ गया। इसमें टेक्स्ट आप लोगों का वाइट हो जाएगा, कंटेनर के अंदर रो, रो के फौरन बाद कॉलम, कॉलम के अंदर हमने ये एक 12 कॉलम है, ठीक है फुल विड्थ कॉलम, उसके अंदर कार्ड ले लिया, पैडिंग उसको फोड़ दी ताकि स्पेसिंग आ जाए, और टेक्स्ट सेंटर कर दिया ताकि सेंटर में आ जाए। अब अगर आप इसको सेंटर ना भी करें तब भी काम कर देगा, क्योंकि सेंटर में हो ही नहीं रहा है एक्चुअल में। उसके अंदर कार्ड के अंदर एक और रो
रो के अंदर एक सिक्स कॉलम बना, उसमें हमने बटन को रख दिया और बटन की भी 100% रख दी। उसके बाद एक और कॉलम सिक्स है, बटन वही सेम, देन एक और रो बनी, उसमें भी सारी चीज़ें वही, सिर्फ नेक्स्ट रो को हमने मार्जिन टॉप 3 दे दिया। तो कॉलम सिक्स क्या है? सिक्स कॉलम बनेगा ना, टोटल 12 कॉलम्स होते हैं, उसमें से 6 और 6 के कॉलम बन गए, लेफ्ट 6 पे राइट 6 पे। तो ये चीज़ आपकी आ गई। अब क्रिएट यूज़र में फंक्शन का नेम रखते हैं ऑन क्लिक क्रिएट यूज़र, ये आपका क्रिएट हो जाएगा। उसी तरह ये आपका रीड यूज़र, अपडेट और डेट, रीड अपडेट और डेट। अच्छा, ये हम यूज़र यूज़र लिख रहे हैं, इसकी जगह भी ना वर्ड आता है हैंडल, हैंडल क्रिएट यूजर की बजाय हैंडल क्रिएट। उसी तरह हैंडल रीड, हैंडल अपडेट और हैंडल डिलीट, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन बहुत सारे हैं, उसके अंदर भी आप मल्टीपल फंक्शन ला सकते हैं, तो ये चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है कि हम फंक्शन इस तरह के बना रहे होते हैं कि वो चीज़ों को हैंडल करें। तो इसका मतलब हैंडल, जब आप लोग रिएक्ट में जाएंगे किसी फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हैंडल सबमिट आ जाता है। ओके जी, ये चीज होगी आपकी। अब यूजर्स, कॉन्स्ट हैंडल क्रिएट इक्वल टू, ये फंक्शन बन गया, कौन सा फंक्शन बन गया, एरो फंक्शन बन गया। उसी तरह हैंडल क्रिएट की बजाय रीड हो जाएगा, सबसे पहले रीड में कंसोल डॉट लॉग यूजर्स को रीड कर सेव करें, और ये आपके पास पार्टनिंग खत्म कर दें। रीड यूजर हैंडल रीड इज नॉट डिफाइंड, अच्छा क्यों एरर आ रहा है, HTML में करते हैं। वो तो सिंपल फंक्शन में होता है ना, ये आपका एरो फंक्शन हो गया, इसमें तो चल रहा है ना, चल रहा है। हाँ जी बताएं, स्पेलिंग ठीक है, स्पेलिंग अगर चेक करनी हो ना, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट करके फाइंड देखते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं, तो अगर मिल गया तो इसका मतलब स्पेलिंग ठीक है। तो एरर देखें, एरर को क्या बता रहे हैं, नहीं बटन एलिमेंट के अंदर तो हमने लिख दिया ना, अनकट रेफरेंस हैंडल रीड इज नॉट डिफाइंड, हैंडल रीड जो है वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन हमने तो बना लिया है, मतलब उसको वैल्यू नहीं दिया, किसकी फंक्शन की वैल्यू, मतलब जावास्क्रिप्ट में भी हम अलग से कुछ ना करते हैं, उसको कॉल करते हैं, ये तो वहीं पे कॉल हो रहा है ना, यहाँ पे फंक्शन बनाया, कॉल तो वहीं पर होगा, ये देखिए ऊपर बना हुआ है। चलिए कंसोल ही हो, यूजर नजर तो आए ना। हाँ जी उस्मान भाई, सीनियर डेवलपर, किधर किसकी वैल्यू पास करें, नहीं सर वो जो सर हमने लेट करी ब्रैकेट लगी है, करी ब्रैकेट लगी है, नहीं ये बार में कर ले, अच्छा वो एक्चुअल में ना एरर इसका नहीं दे रहा है, अभी तो वो इस जगह पर ही पहुंचा है, अंदर तो वो गया ही नहीं, वो तो इसका बता रहा है कि ये डिफाइन नहीं है,
लेकिन हमने तो यहाँ पे बनाया हुआ है। जी फैज भाई और अली भाई सोचें, देखिए जी इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कहाँ पे होगा, लिंक इंपोर्ट करना है, ये रिएक्ट तो नहीं अभी इसका एचटीएमएल खोलिएगा। नहीं 71 तो यही लाइन नंबर है। क्या एरर है? एरर तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट के दे रहा है, जावास्क्रिप्ट हमने यूज ही बस ये किया कि इस पे क्लिक किया है हैंडल रीड, वो कह रहा है कि हैंडल रीड डिफाइन नहीं है, नहीं किया हमने अभी तक इसको लिंक नहीं किया। स्क्रिप्ट सोर्स यही आपको दिखाना मकसद था कि लिंक नहीं है, इस वजह से वो एरर दे रहा है। कस्टम जेएस तो अब अगर आप लोग इसको रीड यूज करें तो ये देखा ये एरर एरे आ गई। ठीक है जी, ये एरे क्रिएट यूजर हैंडल क्रिएट जो हो रहा है, लेट्स सपोज फॉर्म भी बना लें एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और रो कॉलम, इस कॉलम को अब आप दे दें कॉलम 12 कॉलन एम डी में भी 6 हो जाए और यहाँ पे डॉट कॉलम 12 कॉलन एम डी में 6। इसमें आपके पास डॉट रो कॉलन डैश 12 डैश कॉलन एम डी 6, इसमें आप लोगों का आ जाएगा इनपुट टाइप टेक्स्ट और क्लास फॉर्म कंट्रोल और आपके पास आ गया और रो कॉलम, अच्छा इसके अंदर कार्ड ई बाई 4 लोग लिखते हैं, नहीं वो एक और रहेगा ना आपका प्लेस होल्डर नेम और इसकी आईडी नेम, सही चीजें होती है ना, और तो कुछ भी नहीं। नेम है हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं, सिटी और कंट्री, नेम सिटी और आपके पास एम बी थ्री के नीचे कार्ड रो, ये आपका बन जाएगा फॉर्म, एक्शन कोई भी नहीं और बल्कि इसको भी फिर यही चीज बना देते हैं हम कॉलन डैश 12 कॉलन एम्प्टी 6 मार्जिन बॉटम 3
और मार्जिन बॉटम थ्री ये आपका जाए एम बी डैश एम डी से हो जाए। MD3 टेक्स्ट कंट्री, अच्छा जी इनपुट की जगह अभी आपका हो जाएगा इनपुट टाइप सबमिट, आईडी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, क्लास हमें चाहिए डीटीएन, डीटीएन सक्सेस, प्लेस होल्डर कोई भी नहीं, वैल्यू हमें चाहिए, बाय डिफॉल्ट सबमिट है तो फिर सबमिट ही रह जाएगा, बल्कि हमने वैल्यू को रखना है एड यूजर और आपके पास ऑन क्लिक पे, बल्कि फॉर्म जब बन गया तो यहाँ पे ना आपका ऑन सबमिट भी आ जाता है, ऑन सबमिट हैंडल सबमिट, यहाँ पे हमने फंक्शन का नेम क्या रखा था वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, हैंडल क्रिएट में सबसे पहले इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, जिससे क्या होता है सर ये ना वैल्यू डिफॉल्ट हो जाती है, पेज रिफ्रेश नहीं होगा, पेज करके डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको ये इससे रोक देगा। ओके जी एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट गेट वैल्यू, इवेंट पर लाइन क्यों लग जाती है इसमें इवेंट पे ये लिखा सर गेट वैल्यू इक्वल, बहुत सारी चीजें हैं जिस तरह ये है डेप्रिसिएट हो चुका है, इवेंट इज डेप्रिसिएटेड, डेप्रिसिएट का वो कहता है कि ये खत्म हो चुका है, गेट वैल्यू में आपके पास आईडी आ जाएगी, रिटर्न करो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी डॉट वैल्यू, लेट नेम इक्वल टू गेट वैल्यू और यहाँ पर उसकी आईडी देंगे, आईडी क्या रखी थी नेम, और उसके बाद सिटी और हमारे पास हमें लग रही है ना सासर जी, मौसम भाई लग रही है नेम इक्वल टू नेम डॉट ट्रिम, इसने क्या करना है स्पेस सिटी इफ नेम डॉट लेंथ लेस देन 3 तो रिटर्न कर दो अलर्ट नेम एंटर योर नेम करेक्टली, और एंटर सिटी करेक्टली सिटी डॉट इस तरह रिटर्न, अच्छा इसको मजीद आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, जब एक लाइन में ही कोड आ जाए तो आप कर्ली ब्रेसेस ना भी यूज करें तो ये काम कर जाता है, इसने तभी होना अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चीज चलेगी, फिर आप यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं, और वो भी लग सकता है लेकिन यहाँ पे, और इसी तरह इस तरह आप मैंने उसको जी इतना क्लियर है अब तक जी अब्दुल्ला भाई आपको नहीं क्लियर, ठीक है क्लियर नहीं है ठीक है क्लियर है,
हाँ जी मुझे मिल रही है आपको अगली समझ। अच्छा जी, अब जब सारी चीज़ें आपकी वो भी वैलिडेशन वगैरह भी होगी कि आपका डाटा आ गया, अब हमने सिर्फ और सिर्फ इस डाटा को इसमें पुश करना है, ठीक है, यूजर्स में। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लें, लेट यूजर इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में नेम के आगे नेम, सिटी के आगे सिटी और कंट्री के आगे कंट्री आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन जब नेम प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू सेम है तो फिर हम क्या करते हैं, सिर्फ एक चीज ही रखते हैं तो वो काम कर जाएगा कि नेम के आगे वैल्यू भी उसकी नेम ही होगी जी। लाजमी नहीं, लास्ट पे लाजमी नहीं होता। यूजर्स में पुश कर दो, पुश किसको करो, यूजर का। अब आवाज आई है, समय लग रही है। इंडेक्स.डॉट एचटीएमएल में टीटीएन सक्सेस डब्ल्यू एंटर का बटन, एड यूजर, एंटर नेम करेक्टली नेम, ओके मोहम्मद उमर अहमद, एड यूजर। अच्छा, यूजर जब सक्सेसफुल हो जाए तब भी हमने कोई नोटिफिकेशन दिखा देना, तो इसको कंसोल डॉट लॉग कर दें, लगा सकते हैं। यूजर हैज बीन सक्सेसफुली एड यूजर, यूजर हैज सक्सेसफुली एडिट आ गया। ये छोटा है, एक बड़ा है जी, क्योंकि मीडियम स्क्रीन में आ गया ना, इसको मार्जिन बॉटम। ये आपका डी जीरो सिक्स एम बी जीरो मार्जिन बॉटम में वो मार्जिन बॉटम थ्री, ये तो ठीक है। कॉलन एम डी सिक्स एक ही होगा और दोनों के साथ आएगा जी, रो तो एक है, दो है ना, एक ये रो और एक ये रो, वो नीचे वाली रो का नहीं डबल हो रहा, नहीं ये आपका ये जो है ना रो इसका कोई है, देख लेते हैं कॉलन कॉलन कॉलन, ये ठीक है, ये आपका मार्जिन बॉटम जीरो मार्जिन MD3 मिनिमम विथ, मिनिमम विथ से अपव, इसको इग्नोर कर रहे हैं, होना नहीं चाहिए। मार्जिन बॉटम इसको ये मीडियम में मिलनी चाहिए, हर स्क्रीन में ले रहा है, मार्जिन बॉटम जीरो मार्जिन बॉटम मीडियम में थ्री हो जाए,
इस चीज को लगा रहा। मार्जिन बॉटल थ्री इसको देना है, मीडियम में जाके जीरो करना है मार्जिन बॉटम, और इस रो को भी, ये आपका ये जो कॉलम है मार्जिन टॉप, इसको फोर मिल जाए बेशक, मार्जिन टॉप एमडी में जीरो हो जाए, तो इस तरह ये काम करेगा। एड यूजर, यूजर ऐड हो गया, रीड यूजर में आपके पास पांच यूजर्स आ गए, लास्ट में जो अभी ऐड किया, दोबारा से यूजर को ऐड करें, ऐड यूजर, रीड यूजर, और ये यूजर रीड हो रहा है, इसको दोबारा से रिफ्रेश करें और रीड यूजर करें तो डाटा खत्म हो गया आपके पास, ठीक है, जो आपका ओरिजिनल स्टेट थी वही आ गया। तो अब हम आते हैं लोकल स्टोरेज पे। लोकल स्टोरेज क्या करता है, आपका डाटा जो है परमानेंट तौर पे स्टोर कर लेते हैं, और डाटा जो आपका स्टोर होता है वो इसी ब्राउजर में होता है जिस ब्राउजर में आप इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, और जब विजिट कर रहे हैं तो आपका डाटा स्टोर जो होगा, जिस तरह एलिमेंट्स कंसोल, यहाँ पे जाके आपके पास एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन में लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज में आपकी वेबसाइट का डाटा यहाँ पर आता है। जिस तरह ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी और वैल्यू, इसमें होता है की और वैल्यू। तो सबसे पहले तो आप लोकल स्टोरेज में डाटा को स्टोर करवाते हैं, ठीक है, क्रिएट करवाएंगे तो रीड कर सकते होंगे। तो इसको लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाने का तरीका, हमने स्टोर किसको करवाना है, यूजर्स को, सारे यूजर्स हो जाए। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, गेट आइटम, रिमूव आइटम, ये तीन है इसके पास, सेट, गेट और रिमूव। सेट से आपका क्रिएट हो गया, गेट से रीड हो गया, और रिमूव से डिलीट हो गया। अपडेट जो होता है वो भी सेट की मदद से ही होता है, वो तो हम अपने ही लॉजिक्स लगाते हैं, उसकी मदद से सेट कहते हैं, सेट आइटम। अब इसमें आपके पास दो पैरामीटर्स आएंगे, फर्स्ट में की आप दे दें यूजर्स, यूजर्स हमने ऐड करने हैं, और सेकेंड में उसकी वैल्यू, ये देखिए पहली की होगी स्ट्रिंग में और सेकेंड वैल्यू भी स्ट्रिंग में ही जाएगी, आप एरे नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। तो यूजर्स में लेट सपोज आप इसको कहते हैं वर्किंग, सेव करें, जैसे ही आप फिल ऑल इनपुट्स, ऐड यूजर करें, ये देखिए वर्किंग आ गया जो हमने सेट करवाया। आप पेज को जितनी मर्जी बार रिफ्रेश कर लें, बल्कि ये अब इसको रीड भी करना है, हैंडल रीड console.log users, users कहाँ से आएंगे अब हमारे पास, local storage से। तो let users equal to local storage dot get, local storage से item को get करो, हमने get किसको करना है, इसमें आप सिर्फ key pass करेंगे तो वो value आ जाएगी आपके पास, key थी users, save करें तो रीड यूजर करें तो आपके पास कंसोल में देखेगा, अब वो एरे नहीं आएगी क्योंकि ये आपका ब्लॉक स्कोप है, इसने देखना है सबसे ऊपर, अपने ऊपर देखेगा, इसको ये यूजर्स मिल जाएगा तो ये इसको ही रिटर्न करवा देगा, अगर ये ना होता तो फिर ये सबसे ऊपर चला जाता। रीड यूजर करें तो आपके पास वर्किंग आ गया जो हमने सेट करवाया था, अगर ये ना होता तो फिर देखें आपके पास क्या आता है,
एप्लीकेशन से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, डिलीट यूज़र में, अब डिलीट में आ जाते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, रिमूव किसको करना है, यूजर्स की बताएंगे बस, ठीक है। और कंसोल करवाते हैं, यूजर्स हैव बीन सक्सेसफुली रिमूव, रिमूव कहते हैं, डिलीटेड कहते हैं। अब बस ये, अब जैसे ही डिलीट यूजर करते हैं तो ये देखिए वो डिलीट हो गया। अब अगर आप इसको रीड करते हैं, रीड यूजर, तो आपके पास क्या आ रहा है, नन। मीन्स कि अगर वैल्यू हो, की मौजूद हो, तो वो की वैल्यू दे देगा, अदरवाइज आपको ये नल रिटर्न करेगा। अभी सिर्फ हमने टेक्स्ट लिखा था, ये देखिए लोकल स्टोरेज में हम सेट क्या करवा रहे हैं, सिर्फ ये वर्किंग लिखा हुआ, हमने एरे को ही करवाना है। अगर आप एरे करते हैं, एरे को हमने कर दिया, ठीक है, हमने तो एरे को भेजना है, लेकिन यहाँ पे देखें जावास्क्रिप्ट आपको बता भी रहा है, सेट आइटम, की डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, और वैल्यू की डेटा टाइप स्ट्रिंग। तो एरे की डेटा टाइप क्या होती है, नमाज का टाइम हो गया, मेरे ख्याल नमाज पहले पढ़ लेते हैं, क्या होती है, कभी चेक किया हो गलती से, ऑब्जेक्ट, एरे की डेटा टाइप आपको ऑब्जेक्ट मिलती है, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, चेक कर सकते हैं ना हम इसके, तो यहाँ पर आप यूजर्स को भेजें, बल्कि इसको आप हैंडल अपडेट में ले जाएं, ठीक है, सिर्फ चेक करने के लिए, हैंडल अपडेट, तो आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। अगर आप टाइप ऑफ इसको इस तरह लिखें, तो डाटा टाइप क्या आएगी, ये डाटा टाइप आपकी क्या है, इसको इस पर वैसे भी बाहर भेजें, डायरेक्टली आपको पता लगता रहेगा स्ट्रीम, या फिर यहाँ पे भी पता लग सकता है, इस तरह लिखें, स्ट्रिंग आ गई 1 2 3 नंबर, सॉरी ट्रू बूलियन, और नल की डाटा टाइप ऑब्जेक्ट, और अनडिफाइंड, अनडिफाइंड एरे आपकी, सॉरी एरे तो है नहीं कुछ, है ये आपकी ये चीज ऑब्जेक्ट है, और यस नो करे सर, वो भी बूलियन भी आ जाता है, इसमें तो नहीं आता ये, वो सी प्लस प्लस सी शार्प में होता होगा, जावास्क्रिप्ट में नहीं, जावास्क्रिप्ट में ट्रू और फॉल्स है। स्पेशल करेक्टर मतलब वो स्ट्रिंग के अंदर ही आया, डेफिनेटली आप कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख सकते हैं, वैसे नहीं लिख सकते जी। इतना क्लियर है, हमने इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, किसी भी एरे को, कोई भी चीज़ हो, आपने उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, और फिर जब गेट करेंगे उसको स्ट्रिंग से आप उसकी ओरिजिनल हालत में ले करेंगे, तो वही चीज़ मेन है, तो हम इसका नमाज के बाद देखते हैं फिर। ओके जी, ऐड भी हो गया, सेट भी हो गया, गेट भी हो गया, और रिमूव भी देख लिया, लेकिन हमने इस एरे को स्टोर करवाना है। आपके पास यूजर्स, आप यूजर डायरेक्ट कर दें, सेव करें इसको, फिल ऑल इनपुट्स, ऐड यूजर, यूजर हैज बीन सक्सेसफुली एडेड, मोर में जाके एप्लीकेशन। अब ये देखिए आपके पास ये कुछ इस तरह का आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने तो एरे को या यूजर को भेजा था, तो इस चीज को अब आप कैसे अचीव कर सकते हैं, इस यूजर को सबसे पहले आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट के ही है, जेसन एक और अलग चीज़ है, ऑब्जेक्ट इस तरह की चीज़ है ना, तो इसको डिटेल में कभी पढ़ेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई की मदद से। बस यहाँ पर आप उस यूजर्स को रख दें, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, नहीं आप ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हैं,
स्ट्रिंग तो वैसे ही स्ट्रिंग होता है ना, नंबर को आप सिंपल डॉट टू स्ट्रिंग करें तो वो स्ट्रिंग हो जाता है। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट टाइप को, और उसमें एरे और ऑब्जेक्ट ही आती है। कंसोल डॉट लॉग जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और यूजर्स, सेव करें कंसोल। तो ये देखें आपका एरे ही, ठीक है, लेकिन वो सेम एज इट इज जो भी उसका सिंटेक्स बनता है उसने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। वो तो हमने, हाँ जी, ये आपका जेसन बन गया बेसिकली ना, जेसन में इस तरह किया जाता है। और इसकी डेटा टाइप भी अब स्ट्रिंग है क्योंकि हमने स्ट्रिंग को स्टोर करना है। सेम एज इट इज जो भी लिखा हुआ है इसको दोबारा गेट करने के लिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई की जगह आप जेसन डॉट पार्स कर देते हैं। जी यहाँ पे देखिएगा जेसन डॉट, आपके पास ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, स्ट्रिंगिफाई से स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है, जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है उसको दोबारा से रिट्राइव करना है आपने उसकी असल हालत में, आप पार्स कर देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो हमने स्ट्रिंग में भेजा है, वैल्यू देंगे ना यूजर्स, ठीक है, सेव करें और आप इसको एप्लीकेशन में भी इस तरह ऑल इनपुट्स ऐड यूजर करें। तो ये देखें ये चेंज हो गया और ये अब इसकी ये वाली हालत बन गई, लेकिन ये एक टाइम स्ट्रिंग में है। अब दोबारा जब आपने इसको रीड करना है तो रीड जब करेंगे तो रीड यूजर आपके पास कुछ इस तरह का आ रहा है स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में आप पुश तो नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही है, स्ट्रिंग में आप पुश नहीं कर सकते हैं। इसमें अब आपके पास यूजर्स और अच्छा आप इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं एक बार पेज को, पेज को रिफ्रेश किया, अब आप इसको दोबारा से ऐड करवाएंगे। इसने क्या करना है, एक न्यू वैल्यू, जो न्यू आप ऐड यूजर कर रहे हैं ये वाला यूजर और ये ऊपर जो चार यूजर्स हैं सिर्फ इसको लेगा, अभी जो हमने ऐड किया था ये उसको नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इस यूजर्स में, ये वाले जो यूजर्स हैं इसमें हम ऐड करवा रहे हैं, हम लोकल स्टोरेज से नहीं गेट कर रहे हैं। इसका मतलब सबसे पहले हम लोकल स्टोरेज से गेट करेंगे, गेट करने के बाद उसमें यूजर्स को ऐड करेंगे। अब क्या करें, सबसे पहले आप इसको वैसे ही ब्लैंक छोड़ दें, आपने इसको ब्लैंक कर दिया और ये आपका कुछ ये चीज और कंसोल डॉट लॉग यूजर्स, ठीक है जी 39 30 एप्लीकेशन इसको खत्म करें, रीड यूजर करें, कंसोल आपके पास नल आ गया। लेट सपोज आपके पास ये यूजर्स भी नहीं है, ठीक है, आपके पास ये यूजर्स भी नहीं है, सेव करें रीड यूजर नल, ऐड करेंगे तो ये यूजर्स, यूजर इसको मिलेगा नहीं अब। हाँ जी, तो हमने सबसे पहले ये यूजर्स को गेट करना है लोकल स्टोरेज से। लेट यूजर्स इक्वल टू, कहाँ से गेट करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, गेट आइटम हमने किसको करना है यूजर्स को। अच्छा वहाँ पे क्या यूजर्स है आपके पास, नहीं है, तो गेट करेंगे तो क्या आएगा, नल आएगा, तो नल में क्या हम पुश कर सकते हैं, नल में पुश कर सकते हैं, अच्छा नल में पुश कर सकते हैं, अनडिफाइंड में भी कर सकते हैं, पुश तो एरे में कर सकते हैं, पुश एरे में कर सकते हैं ना, नल भी डेटा टाइप का, पुश मेथड जो है ये तो यूजर्स का एरे का है, तो आप ना तो नल में पुश कर सकते हैं ना ही अनडिफाइंड में, ना ही आप ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं, ना ही बूलियन में, ना स्ट्रिंग में, ना ही नंबर में भी नहीं कर सकते हैं, फंक्शन में भी। पुश मेथड सिर्फ सिर्फ एरे में होता है। तो फर्स्ट टाइम जब आप इसको इस तरह लिखेंगे गेट करेंगे, इसने तो आपको अनडिफाइंड दे देना है, सॉरी नल देगा, और नल में पुश नहीं होगा, ये आपको एरर दे देगा। तो इसलिए अब आप यहाँ पे
लिखेंगे अगर यूजर्स बराबर है नल के, तो यूजर्स इक्वल टू एरे, एल्स यूजर्स डॉट पुश यूजर। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको ये हमेशा नल मिलेगा, सेकंड टाइम जब भी आप गेट करेंगे आपको यूजर्स मिल जाएंगे, तो वो आपको फिर उसमें पुश कर देगा। ठीक है, लेकिन जब आप गेट करेंगे तो गेट तो आपको स्ट्रिंग में मिलेगा और स्ट्रिंग में आप पुश नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप इस यूजर्स को उसकी ओरिजिनल हालत एरे में लेकर आएंगे। हाँ जी, उसको रिट्राइव करेंगे ना, क्योंकि यूजर्स तो आपके पास स्ट्रिंग बन जाएगा हमने फर्स्ट टाइम। अच्छा, इसको ना एक ये तरीका था, इसको शॉर्ट हैंड करते हैं मुझे, यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट टाइम आपको क्या मिलेगा, नल, और नल बेसिकली ट्रू नहीं होता, फॉल्स होता है। ठीक है, ये अगर वैल्यू मिल जाए, अगर तो यूजर्स है उसमें तो ठीक, अदरवाइज एरे बना दो। ठीक है, अगर तो लोकल स्टोरेज से डाटा मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज ये आपकी एरे बन जाएगी। डायरेक्ट लगा दी हमने, ये शॉर्ट हैंड कह लें। अब लोकल स्टोरेज भी, सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में भेज दिया, स्ट्रिंग है। अब दोबारा जब आप गेट करेंगे तो ये आपको इस जगह पे एरर दे देगा जब आप पुश कर रहे होंगे। क्यों देगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग है। हम इसको करके देखते हैं। फर्स्ट टाइम डाटा ऐड करें, फिर ऑल इनपुट्स ऐड यूजर, यूजर हैज बीन सक्सेसफुली एडेड, एप्लीकेशन में देखें वो आ गया आपके पास। ठीक है, एक वो आ गया। अब दोबारा से आप फिल ऑल इनपुट्स ऐड यूजर करें, उसने एरर दे दिया, यूजर्स डॉट पुश इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मैं हम वो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसको अब चेंज करेंगे एरे में। तो इसके लिए ये जितना भी डाटा है, जेसन डॉट पार्स, इस पार्स के अंदर आप इस चीज को ले, सिंपल। तो अब क्या होगा, यूजर्स में अगर तो वैल्यू होगी वो उसको पार्स कर देगा, अदरवाइज फर्स्ट टाइम ये ब्लैंक एरे बनाएगा, सेकंड टाइम जब भी वो गेट करेगा, यूजर्स गेट हो गया, पार्स में कन्वर्ट हुआ, आपके पास ये एरे ही बन गई और एरे में पुश हो जाएगा। सेव करें और एप्लीकेशन में देखें इस टाइम ये, ठीक है, आउटपुट कहाँ पर, फाइनल आउटपुट स्ट्रिंग ही मिलेगी, उस स्ट्रिंग को हम दोबारा से पार्स करेंगे। ठीक है, फिल ऑल इनपुट्स ऐड यूजर, यूजर हैज बीन सक्सेसफुली एडेड, एप्लीकेशन में देखें आपके पास ये दो आ गए। अब इसका देखें पैटर्न चल क्या रहा है, सबसे पहले आपने क्रिएट करना है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक इसको मिल जाएगा नल, नल अगर हो जाए तो इसने ब्लैंक एरे को कंसीडर करना है और ये ब्लैंक एरे स्टोर हो जाएगी यूजर्स में, यूजर्स में ये पुश हो जाएगा और लोकल स्टोरेज में हम सेट करवा रहे हैं एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये लोकल स्टोरेज में एज अ स्ट्रिंग सेट हो गया, दोबारा यूजर को ऐड करेंगे तो इस टाइम ये आपको स्ट्रिंग मिलेगा और स्ट्रिंग से ये कन्वर्ट हो जाएगा एरे में। ठीक है, पार्स किया वो एरे में कन्वर्ट हो गया। अब ये और की स्टेटमेंट नहीं चलेगी क्योंकि आपको ये डाटा मिल जाएगा, तो डाटा आपको पुराना मिल गया, स्टोर किस में हो जाएगा, यूजर्स में, उसी यूजर्स में हम इसको पुश करवा रहे हैं। तो इस तरह ही आपका सर्कल चलता रहेगा, ये वाला, ये आईडी है, ये की है, ये तो की है ना, मतलब जो भी हम वेजिस वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे वो यहां पर। हाँ जी, आपने यूजर्स को करवाया, यूजर्स को आप गेट करेंगे, गेट में आप सिर्फ की देते हैं, रिमूव में भी सिर्फ की देते हैं, और सेट करवाते वक्त आप की के साथ वैल्यू देते हैं ताकि उसको पता तो लगे सेट क्या करवाना। जिस की को आप गेट करना चाहते हैं आप उसको बस की का नेम दे दें। ठीक है, अब हैंडल रीड में जब आप इसको कंसोल करवाते हैं, कंसोल रीड यूजर करें, आपके पास स्ट्रिंग आ रही है, स्ट्रिंग से हमने इसको कन्वर्ट करना है एरे में, आप इसको जेसन डॉट पार्स सेव करें, रीड यूजर, तो ये देखिए आपके पास एरे बन के आ गई।
डिलीट करना चाहते हैं रिमूव आइटम, एप्लीकेशन में जाएं, डिलीट यूज़र, तो ये डिलीट हो गया। अब दोबारा से ऐड करना चाहें, ऐड यूज़र, वो ऐड हो गया कंसोल में, रीड यूज़र में, सिंपल एक आ गया, डिलीट यूज़र करते हैं तो डिलीट हो जाएगा। डिलीट में रिमूव आइटम सारे हो, अगर आपने एक को करना है तो डेफिनेटली आपके पास पहले यहाँ पर वो सारे आ रहे होंगे यूज़र, आपके पास लिस्ट आ रही होगी कि आपने किस यूज़र को करना है। तो फिर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डिलीट पे तो वो डिलीट होगा। इंडेक्स से भी हो सकता है, सेलेक्ट से भी हो सकता है, बेसिकली किया जाता है सेलेक्ट की मदद से, और उसकी हम आईडी भेज रहे होते हैं साथ। ये यूज़र जो है, ये यूज़र, इसमें आपकी एक और आईडी भी जाएगी, यूज़र डॉट आईडी इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम डॉट टू स्ट्रिंग 36 डॉट स्लाइस, तो आपकी रैंडम आईडी बन जाएगी और ये साथ में अब आईडी भी जाएगी। ऐड यूज़र कंसोल रीड यूज़र, तो अब देखिए इसमें एक यूनिक आईडी आ रही है। इस आईडी के अगेंस्ट आप लोग इसको डिलीट कर दोगे, वो अब हमारा कल का होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी आप लोग की लोकल स्टोरेज की, रिवीजन भी होगी, वरना लोकल स्टोरेज कोई लेंथी टॉपिक नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लें कोई 15-20 मिनट का है, लेकिन हमें सारी चीज़ें रिवीजन करने में भी टाइम लग गया है। आपकी एसएससी भी होगी कि इसको स्ट्रक्चर कैसे किया जाए, फिर बाकी आप लोग का कल इंशाल्लाह। हमने ये फेक फिलर किया था ना, फिर तो वो भी फॉर्म के अंदर आ गया, तो उसने इसको पढ़ लिया जी। क्लियर है? इसको अगर सेंटर में लेकर आना हो कैसे लेकर आ सकते हैं? अच्छा, अगर यही यूजर्स जो रीड कर रहे हैं कंसोल में भी आ जाए और यहाँ पे भी नजर आ जाए, कर सकते हैं टेबल में इसको दिखा के डिप्लॉय, टेबल में दिखा दीजिएगा यहाँ पे यूजर्स, यूजर्स के नीचे टेबल आ रहे हो, जो हमने वो टेबल वाला किया हुआ उसी को उसमें दिखा दीजिएगा। तो इसको आज ही बना के डिप्लॉय करके या वीडियो करके वो शेयर कर दें, ठीक है, जिस तरह आपने पिछला वो यूजर्स वाला किया था, है ना। इसको कर लें, फायदा है, नहीं तो आप लोगों ने अगले बैच में दोबारा आ जाना है, रिवीजन करते हैं, उसका नहीं ना फायदा, उसका नहीं फायदा, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना और तो कुछ भी नहीं। हाँ जी, कोई सवाल हो लोकल स्टोरेज के रिलेटेड? जी अब्दुल्ला भाई, अच्छी बात है, अब पता लग गया था कि वो अनडिफाइंड क्यों आ रहा था, क्या वजह बनी थी? लोकल स्टोर का काम आ जाता है सर, वैसे हम इस तरह भी करते हैं क्योंकि हम तो हमारे पास डेटाबेस में जाएगी ये चीज़ें, लेकिन लोकल स्टोरेज का भी काम रहता है, बहुत सारे काम लोकली कर रहे होते हैं सिर्फ उस यूज़र या उस ब्राउज़र के लिए। तो फॉर एग्जांपल सीरा की वेबसाइट पर आए, इसमें अच्छा लोकल स्टोरेज और सेक्शन स्टोरेज दो होते हैं। लोकल स्टोरेज में क्या होगा, ये आपने लोकल स्टोरेज को लिखा है, लोकल स्टोरेज आपका जब तक इसमें डाटा स्टोर है, जब तक आप खुद से डिलीट ना करें ये कभी भी डिलीट नहीं होगा, या ब्राउज़र को अनइंस्टॉल कर दें तो वो डाटा ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके पास सारी चीज़ें सेम, सारे मेथड सेम, सिर्फ लोकल की जगह सेशन स्टोरेज। अक्सर होता है ना बैंक वगैरह में सेशन क्रिएट होते हैं 15 मिनट का, इस तरह की चीज़ें, सेशन स्टोरेज एक्चुअल में जो होता है आपका, जब तक ये टैब ओपन है तब तक ये आपका सेशन एक्टिव है। जैसे आपने न्यू टैब ओपन करके, अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये sira.com, ये आपकी ये चीज़ आ गई, ठीक है, इसको क्लोज करें, क्लोज हो गया, इसको रिफ्रेश करें तो ये दोबारा ऐड नहीं आएगी आपके पास, क्योंकि आप इसको क्लोज कर चुके हैं, ठीक है, ये चीज़ नहीं है भाई, ये सेशन स्टोरेज है, इसको आप दोबारा से आप इस वेब न्यू टैब में ओपन करें तो आपके पास वो ऐड दोबारा आ जाएगी। ये देखें,
ठीक है, ये बहुत सारी चीजें इस टाइम गेट कर रहे हैं। सबसे पहले ये डेटाबेस में से चेक करते हैं जी, पीछे है वो सिंपल, एक इमेज अपलोड कर दो, टाइटल लगा दो, बटन वगैरह का टेक्स्ट दे दो, यहाँ पे शो हो जाता है। चेकबॉक्स बना हुआ है ऑन ऑफ का, ऐड दिखाएंगे तो ऑन हो जाती है, ऑफ करेंगे तो नजर नहीं आती है। तो ये सबसे पहले इस चीज को चेक करता है कि ऐड दिखानी है कि नहीं दिखानी। अगर ट्रू है तो फिर उसमें डाटा क्या वो दिखाएगा। क्लोज कर देंगे तो अब वो सबसे पहले चेक करेगा कि इसमें सेशन स्टोरेज है। F12 प्रेस करें और एप्लीकेशन, अब इसमें लोकल स्टोरेज, जब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी तो ये लोकल स्टोरेज, youtube.com, facebook.com, platform.twitter.com, facebook.com, ये बहुत सारी चीज़ें आपकी यूज़ कर रही होती हैं कंपनीज। sira.com में इस टाइम ये फेसबुक है, ठीक है। चैट प्लगइन सेशन स्टोरेज में देखें sira.com और ये मेन मॉडल क्लोज जो है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। फर्स्ट टाइम ये कुछ भी नहीं होता आपका, ठीक है। अगर ये क्लोज ट्रू है तो अब आपको ये नज़र नहीं आएगा दोबारा। आप इसको यहाँ से ख़त्म कर दें, डिलीट किया और इसको रिफ्रेश करें, अभी दोबारा आ जाएगी आपके पास। तो सेशन स्टोरेज आपका जब तक ये टैब ओपन है, लोकल स्टोरेज जब तक आपका ये ब्राउजर है। आप सिस्टम को बंद कर दें, दोबारा चलाएं, आपका डाटा वहाँ पर ही सेव रहेगा। तो ये आपका था लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। ब्राउजर में सेव होता है, मतलब हमारे डिस्क में मेमोरी नहीं है। केबीज में ही होती है चीजें। तो वो तो सी ड्राइव ही है ना, तुम्हारे अपने सिस्टम की ही स्टोरेज है, ब्राउजर का तो कुछ भी नहीं है। ये प्लगइन वो चीज़ हमें प्रोवाइड कर देते हैं, ये प्लगइन इसका, ये फेसबुक का आइकन ही, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप चैट कर सकते हैं। नहीं, ये रिएक्ट पे भी है, मीन्स के प्लगइन का नाम दिया हुआ है, एक्चुअल में कोड ही हमें ये प्रोवाइड करते हैं और हम इसको यूज़ कर लेते हैं। एफ पी का अगर आपका पेज बना हुआ है ना, पेज में जाके आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इसको अपनी वेबसाइट पे, जी तो डोमेन कस्टम हम कनेक्ट कर सकते हैं। फ्री वाली फ्री हो जाती है, मेन अगर आप परचेज करें तो परचेज कर कनेक्ट कर सकते हैं। आप वो सर्च के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन सर्च की सर्विस बहुत लो क्वालिटी की है। गूगल फायरबेस वो प्रोफेशनल है, इसको मेंटेन ऐसे किया हुआ है कि अच्छा। ये इसके रिलेटेड भी सवाल, इसको तो